स्वागत है। मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह और हमारे गौ सेवक कुलदीप जी और ये बच्चा साहब। तो ये कल का एक्सीडेंट हुआ था, ये टार्सल जॉइंट है, जो ये जो हड्डी है वो टूट गई थी यहाँ से, क्योंकि कल जो है कोहरा बहुत था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा था रोड पर। तो ये बस से एक्सीडेंट हुआ था ये गाय का। अबाउट 6 बजे की बात होगी जब एक्सीडेंट हुआ है, और हमें पता चला तो हम 7-7:30 बजे पहुंच गए और इसको रेस्क्यू करके लेके आए हैं यहाँ पे। तो इसका ये प्लास्टर कर दिया है, फाइबर ग्लास प्लास्टर से इसको प्लास्टर किया है, और टेम्परेचर इसका लो आ रहा था, हल्की सी इंटरनल इंजरी थी और ब्लीडिंग भी थी, और जो गाय है ठंड के कारण अचेत हो गई थी। वहाँ पे एट ए स्पॉट उसको ट्रीटमेंट दिया, फ्लूइड थेरेपी दिया, और फिर हम इसको अपने यहाँ गौशाला में ले आए, और गौशाला में ला के फाइबर ग्लास प्लास्टर किया, और फिर हमने फ्लूइड थेरेपी दी। ये दूसरा दिन है इसका, और दूसरे दिन में अभी भी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो आ रहा है, वैसे खाना पीना ये कर रही है। तो आज इसको अपने वेट प्लाज्मा दिया है, ये देख सकते हो आप। तो क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग भी हुआ है इसके, और थोड़ी सी स्ट्रेस में है, मौसम ठंडा है, इसके कारण भी दिक्कत है। तो ध्यान रखें कि बात करेंगे वेट प्लाज्मा देते वक्त क्या ध्यान रखना और कब देना है। वेट प्लाज्मा लगाते समय पहले तो इसको चेक करना है धीरे धीरे आई भी, जैसे ये आप देख रहे हैं स्लो आई भी दे रहे हैं। कई बार ये पशु को रिएक्शन करता है, तो तुरंत इसको रोक देना है, फिर इसको वेट प्लाज्मा नहीं देना है। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा तो इसकी जो ये डोज है अपने बढ़ा सकते हैं, फ्लो इसका बढ़ा सकते हैं। तो बात करेंगे काम क्या करता है। जैसे ट्रॉमा में या ब्लीडिंग हुआ है अभी, तो ये ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, इसके कारण जो है एनिमल स्ट्रेस में नहीं आता और उसकी डेथ नहीं होती है। तो इसके ब्लीडिंग काफ़ी हुआ है, तो इसलिए इसको हमने वेट प्लाज्मा दे रहे हैं, और वेट प्लाज्मा हमने चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसका फ्लो बढ़ा रहे हैं, इसके फ्लो को बढ़ाएंगे, साथ में बात करेंगे। हड्डी टूटी है इसकी, तो इसको फास्फोरस और एंटीबायोटिक में इसको अपने सेफेट्राइक्जोन देंगे, सेफेट्राइक्जोन प्लेन देंगे 4 ग्राम, और ओडी देंगे। फ्लो इसका बढ़ा दिया, आप देख रहे हो आप। तो क्योंकि फास्फोरस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हड्डी है वो जल्दी से जुड़ जाए, और जो एनिमल है अपनी चारों टांगों पे खड़ा होके चल पाए, और इसको अपने कम से कम 40 से 45 दिन बाद जो फाइबर ग्लास प्लास्टर है इसको खोलेंगे। और ऐसे केस है जो ज़्यादातर रोड पे आवारा पशुओं के साथ, जैसे हड्डी टूटना, या कई बार देखा गया है कि रूमन रैप्चर के भी केस बहुत आए थे। तो हमने बहुत ही बढ़िया इनका ट्रीटमेंट करके पशुओं को आगे का जीवन दान दिया है। तो आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे अभी वेट प्लाज्मा लगने के बाद। वेट प्लाज्मा लगाने के बाद ये इसने खाना पीना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा ये कन्वल्जन कर रही है, कम कपा रही है थोड़ा सा। तो वेट प्लाज्मा दिया इसको, तो अब इसको थोड़ी देर बाद ये एनिमल लिफ्टिंग ट्रेविस है जो, उसे उठाएंगे और देखेंगे कहीं स्पाइन कॉर्ड इंजरी तो नहीं हुआ है इसको। तो अगर स्पाइन कॉर्ड इंजरी हुआ होगा तो ये खड़ी नहीं हो पाएगी। आगे का वीडियो दोस्तों आपको दिखाएंगे दूसरी वीडियो में, पर एक्चुअली फ़िलहाल इसकी कंडीशन ठीक है, खाना पीना भी इसने स्टार्ट कर दिया है, पेशाब भी किया है और इसने गोबर भी किया है।